इधर झारखंड राज्य अपना 23वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज देर शाम रांची में आगमन होगा। उनके द्वारा रोड शो भी किया जाना है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता अरगोड़ा चौक पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। मौके पर हमारे संवाददाता सौरभ रॉय ने जायजा लिया, देखे इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस कल यानी कि 15 नवंबर 2023 को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन राजधानी रांची में आज संध्या 8 बजे होगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि स्टेज का भी तैयारी हो रही है, और दूसरी ओर रांची के सिटी एसपी भी मौजूद है। प्रशासन की ओर से भी लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन मौका है जब देश के प्रधानमंत्री आज संध्या 8 बजे रोड शो करते हुए नजर आएंगे। आपको सिटी एसपी मौजूद है, आप देख सकते हैं निरीक्षण कर रहे हैं लगातार। सर, 2 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन रांची में हो रहा है, तैयारियां किस प्रकार से की जा रही है? माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के रांची पुलिस द्वारा जो है संपूर्ण तैयारी की गई है। सभी जगह फोर्स के डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। सभी चौक चौराहों पे जहाँ पे भी भीड़ होने की संभावना होगी उन जगहों पे पर्याप्त बल लगाए जा रहे हैं। सर, 2 दिनों तक नरेंद्र मोदी जी रांची में रहना, कल उलिहातू भी जाएंगे? हाँ बिल्कुल, उनका जो कार्यक्रम है उनके अनुरूप ही रांची पुलिस जो है अपनी तैयारी की है, और सभी जो है वह पुलिसकर्मी जो है सादे और वर्दी दोनों जिला के लोग तैयारी हम लोग किए हैं। निश्चित तौर पर हम लोग जो है सभी जगह पे ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है, ड्रोन भी हम लोग इस पे लगाए हैं और आगे हम लोग इसमें आगे कार्य कर रहे हैं। तो आपने सुना किस प्रकार से रांची प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी है, और जो कल नरेंद्र मोदी जी उलिहातू भी जाएंगे, सुबह के 9 बजे उनका जाने को है, जहां बिरसा मुंडा जी को वो नमन भी करेंगे। रफ्तार मीडिया के लिए संवाददाता सौरभ राय सहयोगी संतु के साथ रांची।